मैम, ये आज का इवेंट कैसा रहा है, इसके बारे में बताइए। आज का इवेंट के बारे में अगर बताने जाऊँ तो हर साल हम लोग बेहतर ही करते हैं और ये छठा साल है। मतलब इसको सक्सेस करने के लिए मुझे लगता है हर साल से ज़्यादा स्पर्धकों ने भाग लिया है। इस कितने हज़ार लोगों ने लगभग भाग लिया हुआ इस साल? वैसे तो 17,000 हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुए हैं, बट फुल मैराथन एंड हाफ मैराथन के लिए 6,500 लोगों ने पार्ट लिया। ये हर साल बढ़ रहा है आपका? हाँ, जो स्पर्धक तो... है उनका यहाँ पर आना, बसे विरार मैराथन में पार्ट लेना, अभी क्या आपको लग रहा है नेशनल लेवल पर आप जा सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर? एक्चुअली देखा जाए तो आपने अगर मेरे स्पीच में सुना होगा तो हमारे यहाँ से जो भी मतलब स्पोर्ट्स में जो लोग हैं वो नेशनल में इंटरनेशनल लेवल तक भी जाकर हम चाहते हैं कि वसई विरार मेयर्स मैराथन को एक नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिले, ऐसा क्या? नहीं, अगर आपने सेकेंड मैराथन मतलब 2011 में जब पहली मैराथन हुई उसके बाद की जो मैराथन है उसको नेशनल लेवल का दर्जा मिल चुका है, ऑलरेडी मिल चुका है। तो अभी देखें तो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हमें राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया। इस लेवल की और कितनी, जैसे मुंबई मैराथन है, दिल्ली मैराथन है, आपका वसई विरार मैराथन है, भारत में हमारी दो नंबर की मैराथन है जो फुल मैराथन, मुंबई के बाद या दिल्ली के बाद? मुंबई से भी बड़ी आम मानी है उसको। अच्छा, हम चाहेंगे ये तरक्की आपकी और हमारी मैराथन को एक श्रीमंत मैराथन भी कहा जाता है। 35 लाख जितना हम लोग इनाम वितरण करते हैं, जो सबसे श्रीमंत मैराथन कही जाती है। बहुत अच्छा, और इसका क्रेडिट जाता है आपको, यानी यहाँ की जो मेयर है? नहीं, सिर्फ मेयर अकेला कुछ नहीं कर सकता, हमारे साथ हमारे सारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों का इतना सहकार्य रहता है कि बहुत ही सक्सेसफुल। मैम, पूरा वसई विरार हिल जाता है जब मैराथन होता है, काफ़ी पूरा उत्सव रहता है जी। तो ये और ज़्यादा इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए क्या क्या प्रयास चल रहे हैं, क्या क्या और करने की प्लानिंग है इसको आगे ले जाने? देखिए, हम तो इस मैराथन के अंदर लोगों को कुछ मैसेज देते हैं हमेशा। पहले साल हम लोगों ने स्त्री भ्रूण हत्या टाला, निसर्गाचा समतोल पाळा, मतलब सेव गर्ल चाइल्ड, उसके ऊपर हमने एक ब्रीद वाक्य लिया था, मैसेज लोगों को दिया। उसके बाद जब मैंने मेयर पद का शपथ ग्रहण किया उस वक्त मैंने हमारा सिटी क्लीन और ग्रीन रहना चाहिए, तो उसका मैसेज लेकर के हम ये मतलब लोगों में कुछ अच्छा संदेश भी जाना चाहिए। कॉन्टेम्प्रेरी लेवल पर अगर देखें तो नोटबंदी ही फिलहाल सबसे बड़ा इशू है देश में जो है, तो इसको नहीं जोड़ा आपने इससे? वो अभी मैराथन के अंदर वो आप मिक्स मत कीजिए। अच्छा, हम चाहेंगे ये जानना कि आप लेडीज़ मेयर हैं, मीरा भाईंदर में भी लेडीज़ मेयर हैं, मुंबई में भी लेडीज़ मेयर हैं, और बाकी का साथ पता नहीं कर पालिका में। हमारा जो महिला बाल कल्याण विभाग है, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की सारी महानगर पालिकाओं में हमारे महिला बाल कल्याण विभाग के जो कार्यक्रम हम महिलाओं के लिए बच्चों के लिए लेते हैं तो पूरे महाराष्ट्र में उसे प्रथम क्रमांक मिला है हमारे। तो महिला उत्थान तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से और कुछ ऐसा हो कि आने वाले जो लड़कियां हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। देखिए, हम महानगर पालिका के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी करने का उनके लिए बहुत सारे कार्यक्रम लेते हैं। जो निराधार महिलाएँ हैं, जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, जिनका कोई सपोर्ट नहीं है, महानगर पालिका के ऐसे बहुत सारी योजनाएँ हैं महिलाओं के लिए। चलिए मैम, तो उसके लिए हम आपके पास अलग से आएंगे और उस पर बात करेंगे। फिलहाल हम वापस आते हैं, आज के जो विनर्स हैं आपकी मैराथन में उनके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? विनर्स देखिए, ये जब से हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि इस तारीख को मैराथन होगी, तो जो विनर्स हैं वो उनके
उनका तभी से मतलब साल भर तो वो लोग प्रैक्टिस करते ही करते हैं, बट तभी से उनकी मेहनत चालू हो जाती है और उस तरह मतलब उनमें वो जोश आ जाता है कि हमें वैसे भी कि महापौर मैराथन में दौड़ना है, उस तरह की प्रैक्टिस उनकी चालू हो जाती है। तो देखिए सभी को तो प्रथम क्रमांक नहीं मिल सकता है, बट बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, जो लोग जिनको पुरस्कार नहीं मिल पाता, जो प्रथम द्वितीय या तृतीय नहीं आते हैं, तो उनके लिए भी वो भी थोड़ा हतोत्साहित या निराश ना हो, तो उसके लिए कुछ आप करते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि प्राइज मिलना उसको महत्व नहीं देना चाहिए, जबकि इस मैराथन में हम भाग ले रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है। हर एक स्पर्धक को यही सोचना है, और स्पर्धा में तो ये होता ही है कि कोई जीतता है कोई हारता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।